नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अनुपगढ़ पंचायत समिति में चल रहे धरने को लेकर वार्ता सफल हुई। अनिश्चितकालीन चल रहे धरने को लेकर प्रशासन ने सभी मांगे स्वीकार कर ली। मनरेगा यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि गरीब परिवारों को हो रही परेशानियों को देखते हुए हमारा धरना स्थगित कर रहे हैं। हमारी प्रतिनिधि मंडल और सभी मेड साथियों को प्रशासन ने बुलाया था, बीडीओ साहब और डागला जी ने, लेकिन किन्हीं कारणों से बीडीओ साहब नहीं आ पाए और डागला जी की सिस्टर की डेथ होने के कारण वो भी नहीं आ पाए। उनकी जगह पर श्री रविंदर शर्मा जी को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया था और जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि जो हमारी तीन मांगे थी उन पर सहमति बन गई है और 5-10 दिन के अंदर हमारा जो पेमेंट वाला मामला है वो जल्दी ही हो जाएगा। दूसरा, जो हमारी टास्क थी 235 वाली, तो वो यहाँ पंचायत समिति लेवल करने के लिए उन्होंने बोला कि ये हम 235 आपकी पेमेंट करेंगे। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मकान का पट्टा बनाने के अवैज में मगीसपुर ग्राम पंचायत के वीडियो अजीज मोहम्मद ने रिश्वत मांगी थी। शहर के शास्त्री मार्ग पर दिन दहाड़े कपड़ा व्यवसाय की दुकान के मालिक को चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। आरोपी ने दुकानदार से 3500 रुपए की मांग करते हुए दुकान मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी इसी दुकान पर पहले नौकरी करता था। लोगों ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलते ही डिप्टी राकेश कुमार शर्मा और जगदीश बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में लिया। बारा जिले के अंता में दूध वाले के खिलाफ झूठा दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं कराने पर पति द्वारा पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। बाद में पत्नी द्वारा पति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। मेरे साथ वो दूध देने आता था राम लखन जी, तो 6-7 महीने से दूध देने आ रहा है और उसने, मेरे पति ने बोला मुझसे कि उसके नाम की रिपोर्ट लिखवाने चल मेरे साथ थाने। मैंने बोला, मैंने कहा मैं नहीं जा रही। उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया कि बोलने लगे कि तेरे साथ बोलना वहाँ थाने में जाके कि मेरे साथ बलात्कार किया ऐसा वैसा। मैंने कहा मैं नहीं जा रही कहीं भी, तो मैं नहीं आने लगी तो मुझे मारने लगे। यहाँ पर डंडे से मारा कंधे पे और यहाँ हाथों में सिर पे मारा डंडा। एक पीड़ित महिला का पति आया था मेरे पास में और वो बोल रहा था कि मेरी पत्नी के साथ में बलात्कार हो गया। हम मामला की तय में गए, गहराई से उसको सुना, पत्नी को बुलवाया तो इसमें पाया गया कि पति अपनी पत्नी से जबरन दूध देने आता था, दूध दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है और उसको पीटा है, उसको हाथ में पीटा है, सिर में चोट आई है, मेडिकल कराया है और जबरन धमका रहा है उसको कोई आपसी रंजिश को लेकर। हनुमानगढ़ स्टूडेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पेपर लीक प्रकरण गिरोह के खिलाफ सख्त कानून बनाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहरी राज्यों का कोटा निर्धारित करने के समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक गिरोह सक्रिय हो गए हैं, लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे मेहनती और ईमानदार तबके के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसको लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आसिफ भाई, हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, उन पर सख्त कानून बनाने और भारी राज्यों का कोटा निर्धारित करने और बकाया छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खाली पड़े अध्यापकों के पदों इत्यादि मांग को लेकर के हमने प्रदर्शन किया है। आने वाली 25 फरवरी को राजस्थान के ऐसे भाई जयपुर कूच करने का आह्वान किया है। हम जयपुर जाएंगे, अगर सरकार बात नहीं मानी तो इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। प्रतापगढ़ के पीपलकोट सर्किल के अमली घाटी में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे 56 पर अज्ञात बदमाशों ने आने जाने वालों का रास्ता रोका और उन पर पथराव किया और लूटपाट की कोशिश की गई। वहीं मामले की खबर पुलिस को होते ही पुलिस ने धारा 392 के तहत केस दर्ज कर लिया। फिलहाल मामले में जांच चल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के गांव दौलतपुरा में सुरभि वन गौशाला का शिलान्यास किया गया।
बता दें कि सदगुरुदेव डॉक्टर राजेंद्र दास महाराज की प्रेरणा के अनुसार गांव दौलतपुरा वासियों की ओर से इधर उधर भटकती गोवंशों की रक्षा के लिए वन गौशाला का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष घासीलाल मीणा, सरपंच भगवान सिंह राजावत, सुल्तान मीणा के साथ कई लोग मौजूद रहे। बाड़मेर में विद्युत विभाग की लापरवाही और उदासीनता के चलते क्षेत्र में वोल्टेज और टिपिंग की समस्या आम हो गई है, जिसको लेकर रेलों की ढाड़ी बिरानाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने किसान के पादरू के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता भूपेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा और समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक देने और कम वोल्टेज की समस्या दूर करने का आग्रह किया। वहीं सहायक अभियंता भूपेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता को लेटर भेजकर इस बाबत समस्या के समाधान की मांग की जा चुकी है, जिस पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। मन में ग्रामीण बेरनाड़ी रेलों की डाणी जीएसएस से फिटेड हो जाता है, उस पर वोल्टेज कम की समस्या लेके आए हैं। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है एग्रीकल्चर में, लोड बहुत तेजी से बढ़ा है। लोड को देखते हुए टोटल वोल्टेज की जो समस्या है वो 132 केवी जीएसएस है, चाहे 220 केवी जीएसएस है, वहाँ पे भी वोल्टेज ये जहाँ 132 आना चाहिए उसकी जगह पे 110 और 112 तक भी वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से आमजन में जहाँ अपने 400 का वोल्टेज आना चाहिए उसकी जगह पे मात्र 250-300 वोल्टेज जा रहे हैं। नाम क्या है? गुलाब सिंह जी, राजपूत। किस समस्या को लेके आए हो? समस्या जी सर में वो है जो वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, वोल्टेज आज हाडी 400 रहना चाहिए उनकी जगह 250 आ रहे हैं, आज पंप किसाना का चल रहा है। ग्राम पंचायत बैरनाड़ी रेलवे डाणी फिल्टर हूँ, मतलब जीएसएस है, बट वोल्टेज की समस्या है। वोल्टेज की समस्या है, मतलब 450 वोल्टेज सही है लेकिन 250 वोल्टेज रह रही है, 250-300 बंदे आ रहे हैं, 250 और 300 बीच में वोल्टेज रहे। अजमेर पुलिस लाइन के सभागार में स्टाफ काउंसलिंग की एक बैठक की गई। इस दौरान एसपी विकास सांगवान ने थाना सर्किल और पुलिस लाइन के पुलिस कर्मियों से समस्याएं जानी। बता दें कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार हर पुलिस रेंज में प्रत्येक 3 महीने के दौरान स्टाफ काउंसलिंग की मीटिंग की जाती है, जिसमें हर थाना सर्किल और पुलिस लाइन के पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। हर 3 माह में हम लोग स्टाफ काउंसलिंग की मीटिंग लेते हैं, जिसमें हर सर्कल से और पुलिस लाइन से कुछ पुलिस कार्मिक अधिकारी उपस्थित होते हैं। आज उनसे वो मीटिंग करके उनकी समस्याओं के बारे में सुना गया। जो पिछली बार मीटिंग में बिंदु उठाए गए थे उनके बारे में चर्चा की गई, उनकी प्रोग्रेस के बारे में और जो नए पॉइंट्स हैं उनके बारे में रेज किया गया। ये एक पुलिस मुख्यालय और सरकार की तरफ से जारी एक मुहिम है, जिसके थ्रू हम लोग जो अपना पुलिस स्टाफ है और जो पुलिस अधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक ने विधानसभा सदन में नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात बनी ठणी की काला नगरी में कला दिग्र बनाए जाने की मांग की और कला एवं संस्कृति मंत्री को इस बात पे ध्यान देने का आग्रह किया। बता दें कि तीर्थराज पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूरे भारत वर्ष को सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल प्रस्तुत करती है और विश्व बुद्धित्व का संदेश देती है, जिसको लेकर विधायक की ओर से विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। अजमेर के जयपुर कायड़ विश्राम स्थल के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें हाईवे पर जानवर को बचाने का प्रयास करते हुए एक कंटेनर पलट गया, जिसके बाद वाहन में आग लग गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। जी सर, कहाँ पर लगे सर आप? करीब सुबह हमारे पास 7:30 बजे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया कि किसी ट्रक में या जयपुर रोड में पार्सल वाहन है उसमें आग लग गई थी। वो उसके सामने कोई जानवर आ रहा था, उसको बचाने के लिए ट्रक को मोड़ा तो नीचे रगड़ता हो गया और उसके टैंक में, फ्यूल टैंक में आग लग गई, जिसके कारण उसमें आग लग गई और उसका जो पार्सल का जो गाड़ी थी उसमें पूरी तरह से जल गई। हमारी 2 फायर ब्रिगेड यहाँ से गई, उन्होंने आग पे कंट्रोल कर लिया और जो 2 व्यक्ति थे उनको वहाँ जो उस गाड़ी में थे उन्होंने, आम जनता ने उनको बाहर निकाल लिया था। घरसाना के एक युवक की लापरवाही के चलते हादसा हो गया, जहां बस की छत पर सवार होकर यात्रा कर रहा एक युवक चलती बस से गिर गया। वहीं युवक को गंभीर अवस्था में घरसाना के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। श्री गंगानगर में शहर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आईटी और आरईआईयूडीपी की कारगुजारियों के खिलाफ पिछले 67 दिनों से चल रहा संघर्ष रंग लाने लगा है। बता दें कि पिछले दिनों सीएमओ को दिए गए ज्ञापन के बाद
सीएमओ की ओर से जांच कमेटी गठित की गई, जिसने श्री गंगानगर पहुंचकर कई जगहों पर जांच की, साथ ही आईटी और आरयूआईडीपी के अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।